हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और मेरा नाम है करण सिंह राठौड़। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नेवी एमआर में जो न्यू अपडेट आया पुलिस वेरिफिकेशन के रिलेटेड, तो उसका आपको क्या करना है, क्या कब लेके जाना है, तो उस चीज के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा वो पुलिस वेरिफिकेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे कि इंडियन नेवी की वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, जैसे पिछली बार के उसमें नहीं था, तो इस बार एक नया अपडेट आया पुलिस वेरिफिकेशन को। और बहुत लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि कहाँ से बनाना है, क्या करना है, कब लेके जाना है। ये पिछली बार नहीं था, इस बार एक अलग से डॉक्यूमेंट मांग लिया, तो उसको भी बनाना पड़ेगा, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। अभी मैंने भी अब तक पुलिस वेरिफिकेशन का बनाया नहीं है, और मेरा भी 9 सितंबर को फिजिकल है, फेज टू का। ठीक है, फिजिकल मतलब फेज टू है मेरा भी, नेवी एमआर का। तो वो जो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म है वो आपको कब लेके जाना है, जैसे कि अगर आप मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको फॉर्म लेके जाना है पुलिस वेरिफिकेशन का। अगर आप उससे पहले भी जैसे अभी आप बना लेते हो फेज टू में, अगर आपको पता है कि आपका फेज टू भी क्लियर हो जाएगा, आपका रिटर्न एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा पहले से ही यकीन है कि हाँ भाई मैं तो क्लियर कर लूँगा ये सब, तो आप अभी से बना के लेके जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपका आगे जाके क्या पता शायद ज़्यादा कट ऑफ चल जाए, ठीक है, क्या पता आपकी स्टेट की ज़्यादा कट ऑफ चल जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है बाई चांस, तो आपका वो पुलिस का फॉर्म ऐसे कोई काम में आएगा नहीं। ठीक है, फालतू में आप बना दोगे अभी भागा दौड़ी करके, लेकिन बाद में कोई काम नहीं आएगा, तो आपको बुरा भी लगेगा कि एक तो पुलिस का फॉर्म भी बना लिया और बाद में कोई काम भी नहीं आया। ठीक है, तो वहाँ पे एक मेंशन है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कॉल अप लेटर में वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म आपके साथ जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए तो तब लेके आइए फॉर्म, तब आपको लेके आना है ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, अभी से आप फेज टू के लिए बना रहे हो तो वो चीज़ अभी फेज टू में काम नहीं आएगी, आपको तभी लेके आना है जब आपका फेज टू आप क्लियर कर लो। ठीक है, जैसे मेडिकल और फिजिकल आप पास हो जाओ और फिर आपका जब मेरिट लिस्ट में आपका जब नाम आए तब आपको वो मेरिट मतलब जब आपको मेरिट लिस्ट में नाम आए तो आपको वो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म लेके जाना है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, तो आपको वहाँ पे लेके जाना है ये पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म। और अभी आपको ये चीज़ नहीं बनाना है, अगर किसी को है ज़्यादा कि अगर किसी को अभी से भी बनाना है तो अभी से भी आप बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन वहाँ पे नीड कब है, जब आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे चाहिए होगा। और अभी आपको सेंटर पे नहीं मांगेंगे किसी भी, अगर मांगते भी है जैसे मैक्सिमम सेंटर पे अभी आपको किसी भी सेंटर पे पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म नहीं मांगेंगे, क्योंकि इसमें अगले मेरिट लिस्ट के बाद का इसमें मेंशन किया है कि आपको मेरिट लिस्ट के बाद ही फॉर्म लेके जाना है पुलिस वेरिफिकेशन का। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अभी से, ठीक है, कि आप कब आपको बनाने जाना है, तब कुछ आपको आराम से स्टिल रहना है और आपको आराम से अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और आपको आराम से प्रैक्टिस करनी है फेज टू के लिए। ठीक है, तो आपको मिलता हूँ मैं नई वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा।